टाइम मैनेजमेंट एंड ACCA एग्जाम्स इज द रियल गेम चेंजर. सो प्लीज लेट्स पुट आर सेल्व्स अंडर दैट टाइम्ड एनवायरमेंट, अंडर दैट सिम्युलेटेड एग्जाम कंडीशन टू अपियर फॉर दिस मॉक एग्जाम. ACCA एग्जाम्स की क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स सही नहीं करते हैं. सो इफ यू डोंट इंटरप्रेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली, obviously जो आप आंसर कर रहे हो दैट इज नॉट what द examiner वॉज लुकिंग फॉर. क्राइप का मतलब अलग है, एनालाइज का मतलब अलग है, डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब अलग है. ऑल द वर्ब्स इन द क्वेश्चन मीन समथिंग डिफरेंट. सो बी वेरी क्रिटिकल एज टू हाउ टू रीड दीज वर्ब्स बिफोर योर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स. इट्स अ हाईली रिकमेंडेड मॉड्यूल टू बी कंप्लीटेड बिफोर यू अपियर फॉर योर ACCA प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स. मैम ACCA में एनरोल तो करा लिया बट अब पढ़ना कैसे है? ACCA स्टडी हब है, ACCA CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी है, BPP कापलान की वर्कबुक, BPP कापलान की प्रैक्टिस एंड रिविजन किट, ACCA ट्रेनर नोट्स भी है, ऊपर से एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स एंड टेक्निकल आर्टिकल्स भी हैं, उसके बाद प्रोग्रेस टेस्ट भी करने हैं एंड मॉक एग्जाम्स तो हैं ही मैंडेटरी. आई एम सीरियस व्हेन आई से दैट देयर आर एन ओशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ACCA स्टूडेंट्स टू स्टडी फ्रॉम, बट इतने रिसोर्सेज होंगे तो कंफ्यूजन होना भी नेचुरल है. ऊपर से सिर्फ 2.5 मंथ्स में ACCA एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो किस रिसोर्स से कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों पढ़ना है इज व्हाट आई एम गोइंग टू आंसर इन टुडेज वीडियो. हाय फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी जैन ACCA एंड टुडे लेट्स डाइव इनटू द डीप वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम ACCA. First of all, my request to everyone is to please take classes towards your ACCA preparation. Take classes from an approved learning partner of ACCA. Even if you are a full-time working professional or pursuing any other qualification like graduation along with your ACCA, please take classes. Trust me, you need that hand-holding. You need that support, that discipline that a professional qualification like ACCA requires. So if I make a study plan for you, first thing there, foremost would be to attend your ACCA lectures over the weekend. Quick word of caution here. Remember from day one, no pen and paper. Please do away with your pen and paper. Open up the CBE practice platform, blank workspace and do your practice questions on it only. Apni class mein laptop lekar jao so that whatever your trainer is teaching you, you are simultaneously practicing on the laptop for it, on the blank workspace of the CBE practice platform on it. Toh ab ye CBE practice platform hai kya? For those of you who don't know, it's a platform from ACCA that replicates the actual exam platform. So familiarity of the platform, its functionality, formulas, presentations, workspace, spreadsheet, PPTs, kaise use karni hai, is very important. On the day of the exam, aap familiarity of the platform ke liye nahi achieve kar sakte. You have to be very well versed with the entire layout of the exam and that will only happen jab aap day one se practice on the platform karoge. During the week you need to revise the concepts that have been taught during the lectures, refer back to your trainer notes, open up the ACCA study hub and do practice questions on the topic which has been covered in the class. Simultaneous question practice day one से very very important है, because syllabus इतना vast है कि अगर last moment पे practice छोड़ दोगे तो ACCA का exam मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा. BPP या Kaplan दोनों में से कोई भी एक की study kit साथ में उठा लो और ACCA के जो study hub पे practice questions है
वो साथ साथ में कवर करो फॉर द टॉपिक्स दैट हैव बीन कवर्ड इन योर लेक्चर्स. जब एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अपीयर फॉर प्रोग्रेस टेस्ट विद योर लर्निंग पार्टनर. अब ये प्रोग्रेस टेस्ट देने जरूरी क्यों है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोग्रेस टेस्ट एक मिरर की तरह आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट कितना सॉलिड है बॉस, और इफ यू नीड फर्दर मोर प्रैक्टिस ऑन दीज कॉन्सेप्ट. सो कीप रिपीटिंग दिस पैटर्न टिल द सिलेबस गेट्स ओवर इन द क्लास. वीकेंड पे पढ़ाई करी, वीकडेज में उसी टॉपिक की रिविजन करी, प्रैक्टिस करी, साथ साथ में एटलीस्ट 3 प्रोग्रेस टेस्ट यू शुड हैव डन ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ द सिलेबस बीइंग कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ. वंस द सिलेबस इज ओवर, नाउ इज द टाइम फॉर मॉक एग्जाम्स. रिमेंबर यू ओनली हैव टू अपीयर फॉर मॉक एग्जाम्स ऑन द ACCA CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. वाई? बिकॉज दीज आर एक्चुअल ACCA पास्ट पेपर्स जो कि आपको एक्चुअल रिगर ऑफ द एग्जाम समझाएंगे. इफ यू डन अ प्रीवियस अटेम्प्ट एंड यू स्कोर्ड वेल ऑन इट, ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट यू आर मोर एग्जाम रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो. द इंटेंट बिहाइंड दीज मॉक एग्जाम्स इज दैट फियर ऑफ द अननोन को हटाना है विद दीज मॉक्स. सबमिट दीज मॉक्स टू योर ACCA क्वालिफाइड ट्रेनर्स फॉर इवेलुएशन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो मॉक आपने किया है उसमें क्या आपने अच्छा किया है, वॉट आर द एरियाज इन विच यू कुड हैव इम्प्रूव्ड इन योर मॉक एग्जाम. अगर 3 मॉक एग्जाम्स ऑन ACCA पास पेपर्स कर लिए, बिलीव यू मी, योर चांसेस ऑफ पासिंग द एक्चुअल ACCA एग्जाम आर मच मच हायर. इसमें से 2 मॉक एग्जाम्स need to be done under timed environment, which means give yourself exams wale 3 hours 15 minutes. Be honest to yourself, 3 ghanta 15 minute matlab 3 ghanta 15 minute. Do not over run on time. CBE practice platform mein jo mocks hain, they are not going to be timed bound like the actual exam, but it's up to you to stop just as this time limit gets over. अपने आप को असेस तो करो कि आप स्टिपुलेटेड टाइम में एग्जाम को ख़त्म भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. 1.8 मिनट्स पर मार्क को अगर आप फॉलो करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू कवर एंड कंप्लीट योर एंटायर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर. आप सब जानते हो, टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड दिस, that time management in ACCA exams is the real game changer. So please, let's put ourselves under that timed environment, under that simulated exam condition to appear for these mock exams. Agar 100 marks ka paper hi nahi kar pa rahe ho, to obviously probability of getting a 50 to pass, to aap obviously reduce kar rahe ho. Ab kya karna hai? इसी मॉक एग्जाम का एग्जामिनर रिपोर्ट भी पढ़ना है. अब एग्जामिनर रिपोर्ट क्या होता है? एग्जामिनर रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट फ्रॉम द एग्जामिनिंग टीम आफ्टर एवरी क्वार्टर्स एग्जाम टू इन्फॉर्म व्हाट कॉमन मिस्टेक्स डिड द स्टूडेंट्स डू. यू नीड टू चेक कहीं आपने भी वही कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं कर रखी थी, एंड ऑल्सो टू असेस व्हाट रियली डिड द एग्जामिनर वॉन्ट यू to answer in this particular question. ACCA exams ki question ki interpretation hi maximum students sahi nahi karte hain. So if you don't interpret the requirement of the question correctly, obviously jo aap answer kar rahe ho, that is not what the examiner was looking for. Verb of the question, describe ka matlab alag hai, analyze ka matlab alag hai, demonstrate का मतलब अलग है. All the verbs in the question mean something different. So be very critical as to how to read these verbs. There is a separate document, a guideline on the verbs of the questions in the ACCA exam. Please feel free to reach out to me. I'll send across this guideline to you so that you understand
कि हर वर्ब का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ब बीइंग क्वेश्चन्ड इन द एग्जाम रिक्वायरमेंट. हाफ द बैटल इज वन अगर आपने क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट कर लिया. वन मोर वेरी कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज दैट क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं. अब जब आप क्वेश्चन को ही पूरा नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसके जो मल्टीपल पार्ट्स हैं, मल्टीपल सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है, जब आपने वो पढ़ा ही नहीं और आपने अज्यूम कर लिया दैट दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, तो ऑब्वियसली आपने जो आंसर लिखा इज नॉट व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर. और मे बी देवर मोर सब पार्ट्स टू इट ऑल्सो. वेरी कॉमनली ACCA एग्जामिनर आस्क्स मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स इन अ सेम सेट ऑफ क्वेश्चन सेट. तो अगर मैं एक रिक्वायरमेंट पढ़ूंगी उसी एक रिक्वायरमेंट में एक्चुअली में मल्टीपल सबसेट ऑफ क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स है. तो जब मल्टीपल सबसेट ऑफ क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स है तो आपका आंसर भी तो सबको एड्रेस करना चाहिए. ऑल ऑफ दिस गाइडेंस कम्स इन व्हेन यू एक्चुअली रीड द एग्जामिनर्स रिपोर्ट व्हिच कम्स इन आफ्टर एवरी क्वार्टर्स exam. After having done this, your trainers will be able to filter out few technical articles from the ACCA team which are going to help you improve your overall score. ये exam के content के बाहर है, which means आपके study hub में भी नहीं है, आपकी BPP और Kaplan की kits में भी नहीं है. These are separate technical articles which the examining team has written on important topics. अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे टेक्निकल आर्टिकल अगर एग्जामिनिंग टीम ने लिखा है तो प्रोबेबिलिटी है कि उसी टेक्निकल आर्टिकल के आसपास सम क्वेश्चन रिक्वायरमेंट माइट होवर अराउंड. सो प्लीज़ गो एंड चेक द लेटेस्ट टेक्निकल आर्टिकल्स ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर अपियरिंग फॉर एंड ऑल्सो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टेक्निकल आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है. अगेन योर ट्रेनर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट will be able to give you this guidance. एक additional tip देती हूँ. Professional exams देने से पहले please complete your EPSM module, which is the 20-hour online training module towards your ethics and professional skills module. Even though this is not a mandatory requirement from ACCA to be completed before your professional level exams, it's a highly recommended module to be completed before you appear for your ACCA professional level exams. Why? Because this is going to kind of give you an edge into the professionalism, into the ethics and professional skills that the professional level exams are going to require you to demonstrate in your answers. हेल्प करेगा इन ऑल योर प्रोफेशनल एग्जाम्स. तो बस यही करना है एवरी क्वार्टर फॉर एवरी ACCA एग्जाम एंड यू आर सॉर्टेड. ट्रस्ट मी इफ यू डू दिस यू विल बी एबल टू क्लियर योर ACCA एग्जाम. बस डिसिप्लिन रहो, डेडिकेटेड रहो. एनी ACCA एग्जाम यू कैन ईजिली पास इफ यू आर फॉलोइंग दिस रिगरस पेडागॉजी for 2.5 months until your next ACCA exam. For any additional guidance or queries with respect to your ACCA journey, please feel free to reach out to me at the Wall Street School. Until next time, thank you so much. God bless.